मैं उम्मे-हसन हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे, झटपट और मज़ेदार। ये मैंने इसके लिए सैलेड, जो नॉर्मल हम कुचुम्बर और सलाद जिसे कहते हैं, ये मैं ऑलरेडी बना के रख चुकी हूँ। इसके साथ खाने के लिए अचार होगा। ये मैंने एक छोटी सी शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक चार खान वाली काट के रखी है, जो मैं इसमें डालूंगी। ये मैंने एक छोटा सा टमाटर लिया जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, ये भी इसमें जाएगा। ये एक टीस्पून धनिया साबुत, एक टीस्पून ज़ीरा मैंने दरदरा कूट लिया है इसे। ये एक टेबलस्पून भर के कुटी मिर्चें हैं जो इसमें जाएंगी। ये हरी मिर्चें हैं 5 से 6, ये इसमें जाएंगी। ये मैंने हरी प्याज का सिर्फ हरा वाला पार्ट लिया है, बारीक बारीक काट लिया, ये इसमें जाएगा। ये मैंने एक प्याज कद्दूकस करके इसका पानी निकाल निचोड़ दिया, फिर ये सूखी सूखी प्याज इसमें जाएगी। ये हरा धनिया इसमें जाएगा, ये पुदीना इसमें जाएगा, ये चाट मसाला है और ये नमक है। तो ये मैंने 4 से 5 तकरीबन आधा किलो के करीब आलू थे ये जो मैंने लिए थे। तो देखें अभी इसमें सब सामान जा रहा है। चाट मसाला गया, ये प्याज गई, ये साबुत धनिया ज़ीरा किया, ये कुटी हुई मिर्चें गई, ये टमाटर गए, ये मैंने इसमें शिमला मिर्चें डाली हैं, ये हरी प्याज का पार्ट गया है, ये हरी मिर्ची इसमें गई है, ये मैंने इसमें पुदीना डाला है और ये मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और ये मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो ये मैं मिक्स करके फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए ये सारे मसाले हमने मिला दिए थे और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और सारे मसाले मैंने दिखा दिए थे। टमाटर का मैंने बीज निकाल के फिर उसका जो पार्ट था हार्ड वाला वो काटा था, एक छोटी सी शिमला मिर्च थी और हरी प्याज का हरा पार्ट लिया था, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी नहीं डाली मैंने इसमें, नमक, सौंफ, वो ज़ीरा और साबुत धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ और हरी मिर्चें, बाकी सारा सामान डाल के मेरा ये बन गया है। आटा मैं गूंथ चुकी हूँ, अब मैं आपको पराठे बना के दिखाती हूँ। ये देखें ये मैंने पेड़े बना के रखे हैं और अब इसमें आलू का भुट्टा लगाऊंगी। इसको खूब अच्छे से फैला दें आप इस पर। तकरीबन आलू के पराठे तो ऐसे बेसिक चीज़ है कि ये हर कोई बनाता है, लेकिन हर किसी के हाथ का जायका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा बहुत रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है और कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, मैं इसको बेल के डालती हूँ फिर बताती हूँ आपको। देखें ये मैंने रोटी अपनी पराठा बेल दी है, ये बेल के तैयार है, मैं इसको तवे पर डालूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें मैंने अपना पराठा तवे पे डाल दिया है, चूल्हे की आँच मैंने बहुत मीडियम हाइट पे रखी हुई ताकि ये जले ना और ये अच्छा सा सिक जाए ना। और मैं इसको असली घी लगा के सेकूंगी, जब ये दोनों तरफ से हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पोजीशन। देखिए ये मेरी पराठा इधर से हो गया है, अब मैं इसको थोड़ा सा घी लगा रही हूँ, असली घी, और मैं इसको ब्रश की मदद से लगा रही हूँ ताकि ये कम लगे और अच्छा सिक जाए। ये देखें इसका कलर। देखिए मेरा पराठा एक तरफ से सेक गया है, मैंने दूसरी तरफ से भी घी लगा के इसको सेक रही हूँ, अब ये एक तरफ से सेक रही हूँ। ये देखिए मेरा ये पराठा रेडी है और इसकी शक्ल कितनी अच्छी आई है, अब मैं दूसरा डाल के दिखाती हूँ आपको। आजानी हो गई इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ। ये दूसरा मैंने डाला है, अब मैं इसको बताती हूँ। देखिए मैंने दूसरा पराठा डाला है, लाइट चली गई है तो ये मैंने मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई भी है और उसी से मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं बना आधा तैयार कर चुकी थी तो मैं फाइनल करके दिखाती हूँ आपको। देखिए दूसरा पराठा भी हमारा रेडी हो रहा है, मैंने इसमें ऑयल लगा दिया और मैं इसको पलट रही हूँ ताकि अच्छे से हो जाए, फिर दूसरी तरफ से भी हम इसको पलट देंगे और फिर हम इसको फाइनल आपको दिखाते हैं। आप इसमें टमाटर और शिमला मिर्ची जो हमने काट के डाली है, इससे पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और अगर आप थोड़ी गाजर की कद्दूकस करके डालें तो वो क्रंची क्रंचीपन आता है इसमें पराठे में और बहुत मज़े का लगता है।
मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये हमारा आलू का पराठा पक के तैयार है और मैंने इसे हल्के मीडियम आंच पे सेका था। ये घर की बनी हुई इमली की और हर धनिया पुदीना की चटनी है। ये सलाद है, कचुम्बर जिसे हम कहते हैं। और देखिए मेरे पराठे का आलू और ये बिल्कुल स्टफिंग देखें आप इसकी, आपको बहुत इसमें हरा भरा लाल हर चीज़ आपको नज़र आएगी। और ये रेडी है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ट्राई करें, लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाइए। जो जो जहाँ जहाँ मुझे देख रहा है सबको मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह हाफिज़।